हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतांकुर में। 5 मार्च में FCI AG3 मेंस का एग्जाम है। अब काफी कम दिन रह गए हैं, तो आप सभी के लिए FCI AG3 मेंस का फ्री मॉक टेस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है। ऑल अबाउट का मॉक टेस्ट है, तो इस फ्री मॉक टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें और उसके बाद कमेंट में जरूर बताएं कि मेंस के फ्री मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर और परसेंटाइल आया है। अब जो स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि प्री रिजल्ट के बाद कम से कम 12 से 15 दिन का समय तो मिल जाएगा मेंस के लिए। क्योंकि FCI कैटेगरी 2 की बात करें तो प्री रिजल्ट के बाद लगभग 15 दिन का समय मेंस के लिए मिल गया था, लेकिन FCI ने सरप्राइज दे दिया और बता दिया कि रिजल्ट के 4 दिनों के बाद हम मेंस का एग्जाम ले लेंगे। अब जो स्टूडेंट्स पहले से मेंस की तैयारी कर रहे थे या प्री एग्जाम के बाद मेंस की तैयारी शुरू कर दिए थे, तो उनको तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने एक बात बार बार आपसे कही थी कि आप उम्मीद मत लगाना कि रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा दिनों का समय आपको मेंस के लिए मिल जाएगा। और एक बात और बोली थी आपसे कि जो एक्सपेक्टेड मेंस डेट है 5 मार्च, उसके अकॉर्डिंग अपनी मेंस की तैयारी करते रहें। अब यहां से लेकिन एक सीख आपको सीखना पड़ेगी कि कोई भी प्री एग्जाम हो जाए, उसके तुरंत बाद मेंस की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि आपने यहां से देख लिया है कि मेंस के लिए मिनिमम कितना समय आपको मिल सकता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मेंस की तैयारी शुरू नहीं की है, तो जितने भी दिन रह गए हैं, एक स्ट्रेटजी और टाइम टेबल बनाइए मेंस के लिए और डबल ट्रिपल मेहनत कीजिए। और मेंस के लिए कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और FCI AG3 प्री में आपके कितने अटेम्प्ट रहे थे आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।